गुप्ता जी लखनऊ वाला मजा आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। ये हर कोई नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए कलाकारी चाहिए। हाय गाइस, अनवर द सेट फ्रॉम वेजी बाजी, और कुछ अलग अलग खाना ढूंढने की तलाश में हम लोग अभी मुंबई की गर्दी संडे स्पेशल्स के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं गुजराती स्नैक, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे आप जा रहे हो, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, पंखी, पंखी कुछ तो चीज़ें सुबह से बता रहे हैं, अभी मैं देखूंगा तो मुझे समझ आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरे एंड तक देखा करो। जब तक विजुअली समझ नहीं आएगा ना, तब तक कैसे आगे टेस्ट करोगे। और साथ में खाएंगे तंदूरी वड़ा पाव, जितना सुनने में अटपटा लग रहा है ना, अब एक बार थोड़ा देखो, आपको मजा आएगा। आ जाओ, लेट स्टार्ट। कहाँ पे हैं? चटरपटर विले पार्ले ईस्ट में। ये क्या चीज है? बेसन का घोल है, फिर चावल का आटा है, चावल का आटा है, अच्छा दही जाता है, चावल का आटा, दही, हल्दी का घोल एक बनाया हुआ है। ऐसे डोसे टाइप स्प्रेड कर दिया इसको, इसमें डाल देगा, अच्छा इसको ढक देंगे, ओके। तो ये चावल का आटा, और ये इसको खाते किसके साथ है? वो चटनी मिर्ची के साथ, चटनी के साथ है। नमकीन चीज होता है ये? हाँ, ये नमकीन है, हेल्दी होता है, हेल्दी होता है। तो चावल का आटा है, उसमें तो दही जाता है, दही है तो हेल्दी है, हेल्दी रहेगा। बस पत्ता समेत ही वो करते हैं इसको, दो पीस आते हैं। अच्छा, वो पत्ते के अंदर पकता भी रहेगा और थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाएगा नीचे से, सॉफ्ट ही रहता है, बड़े जल्दी भी बन जाता होगा ये। तो ये आज हमने एक नई चीज सीखी जिसका नाम है पंखी। हो गया, ये बन गया? ये बन गया। अच्छा, इतनी जल्दी बन जाता है? और जल्दी बनता था, ये थोड़ा स्लो था ना, ये तो लिटरली एक मिनट में बन गया पूरा। और इसके साथ आ गई ये चटनी, चटनी और मिर्ची, पंखी बनके रेडी है। एक पंखी को आउट करेंगे। ये छूट जाता है। अच्छा, ये हर कोई नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए कलाकारी चाहिए, जो शेफ ने बड़े अच्छे से बनाया। धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमें बताया एक नई चीज के बारे में जिसका नाम है पंखी। बास्केट चाट मिलता है हजरतगंज वाला, वैसे ही आप खिलाएंगे गुप्ता जी? ठीक है, खिलाइए। वो तो खाया था, बहुत भारी था, मतलब आराम से पेट भर जाता है। अच्छा, छोले पड़े हैं, इसमें टिक्की पड़ी है, आलू फ्राई पड़ा है। हम लोग यहाँ पे खाने तो आए थे पंखी, पर इन्होंने बोला कि ये भी आप ट्राई करो, ये हमारी ये अभी आजकल नई स्पेशलिटी बनी है। पापड़ी वगैरह, चटनी वगैरह आएगी, और इसका क्या प्राइस रहता है? 250। काफी लोडेड रहती है, दो जन मिलकर आराम से खा लेते हैं। सेब वगैरह डाल के। अब गुप्ता जी, लखनऊ वाला मजा आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। एक बास्केट चाट आउट करेंगे क्या आउट करेंगे, बोलने में बड़ा मजा आता है। ऐसे ना, वो जब खाना बना के रेडी कर देते हैं ना, तो स्टाफ को बोलते हैं एक बास्केट चाट टेबल नंबर 4 पे ले। कचौड़ी छोले चाट है, इतने प्यार से बता रहे हैं। मैं एक चीज़ खाने आया था, तीन चीज़ें खिला रहे हैं, कह रहे हैं ये खानी है, ये खानी है। मुंबई में क्या है, लोग बड़े प्यार से खिला रहे हैं, मोस्ट दुकान पर जाते ना, एक चीज़ खाने जाते हैं 4-5 खिलाते हैं। ये थोड़ा राजस्थान साइड पर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कचौड़ी चाट। जी सर, मतलब राजस्थान की चाट है, यूपी की चाट है, गुजरात का पंखी है, तो मतलब अलग अलग क्षेत्रों से इंडिया के चीज़ें हैं आपके पास। क्या दिन भर रहता है ये सब? जी सर, सुबह कितने बजे चालू हो जाता है ये? तो सब चाट आइटम और वगैरह है, 11 बजे शुरू हो जाता है। हाँ, तो क्लोजिंग 12 बजे, 11 से रात 12 बजे तक। जी लो जी, ये आ गई पंखी, ये आ गई बास्केट चाट, वो लखनऊ वाली जैसे होती है ना। और एक और चीज़ है, ये बास्केट चाट, ये कचौड़ी चाट, और ये जो चीज़ हम लोग खाने आए थे ये है पंखी। ये बेसिकली चावल का आटा होता है, उसके अंदर दही डालते हैं, और ये केले के पत्ते के ऊपर और नीचे पकाते हैं। सबसे पहले इसे कचौड़ी चाट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, ओके ठीक है। इसके अंदर छोले भी डाल रखे हैं इन्होंने,
ओके यहाँ का ना आई थिंक कॉन्सेप्ट इज मोर ऑफ चटपटा रहा है नाम है ना जगह का चाट एंड चटाकेदार चीज़ें। ये लखनऊ की स्पेशल बास्केट चाट, आलू फ्राई है इसके अंदर, भल्ला है, टिक्की है, छोले हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोले भी है, पापड़ी भी है, बड़ी बाइट होगी थोड़ी, एक अच्छी टोकरी की चाट जैसी है, बट वो लखनऊ वाली बात ना लखनऊ में है वो चीज़ है, बट ठीक है, मतलब अगर आप मुंबई में हो, वन क्रेविंग फॉर बास्केट चाट, यू कैन ट्राई दिस। सामान अच्छा और छोले भी बड़े बड़े देख, कितने हाँ, बड़े छोले हैं, मतलब चीज़ है, पूरा 250 रुपये का है चार्ज कर रहे हैं, तो अच्छे से दे आर गिविंग चीज़ें। बस वो है कि जब लखनऊ में जाते हो ना, तो यहाँ पे एक वो हजमोले की चटनी होती है, छोले एकदम लपेटू वाले होते हैं, वो सब चीज़ें मिसिंग है, पर ठीक है, वो चलता है, उतना छोटा मोटी चीज़ें चलती है। मेन चीज़ जो हम लोग खाने आए थे वो ये है, ये देखो, अब इन्होंने बोला था इसमें तेल नहीं डालते कुछ पकाते टाइम, और ये ऐसे इतनी ईजिली निकल जाता है, केले के पत्ते पे बनाते हैं पंखी। वाओ, हाँ इसके अंदर कितना सो गुड, सो गार्लिकी, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ लहसुन ना, आई थिंक हरा लहसुन डाला हुआ इसमें, वो शार्पनेस ना हरे लहसुन की, इतना बहुत सही, क्योंकि फ्रेश भी लग रहा है और लहसुन का फ्लेवर भी आ रहा है, दोनों एक साथ होना मुश्किल होता है भाई। नई चीज़ें खाई, पुरानी यादें ताज़ा करी, आप चलते हैं आपको लेके एकदम ही अलग चीज़ में, एकदम अलग डिश दिखाएंगे, तंदूरी वड़ा पाव, क्या ट्विस्ट है वो, वहाँ जाके पता चलेगा। चल तो आप पहुँचो, वो बाहर वही वो देख रहे हो वो वाला ऑटो, हाँ उसी को लेके पहुँच रहे हैं, उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अपनी अगली जगह पे आए कैफ़े तंदूर 69 पे। यहाँ की खासियत ना ये चीज़ है, ये एक ग्रिल है, उसमें नीचे कोयला है, इसको तंदूरी सेटअप बोलते हैं, और वड़ा पाव इसके साथ है। ये चीज़ ऐसे कैसे है, क्यों हो रही है, और क्या बनाता है इसको खास, आइए आप और मैं साथ में मिलकर समझते हैं। क्या खिलाने वाले हो अभी? किंग तंदूरी वाला जो बोले थे ना, और एक मैंने कौन सा बोला था, पेरी पेरी वाला, ठीक है डन। ये किंग का वड़ा थोड़ा मतलब जंबो साइज में रहता है, ठीक है, इसको ये तंदूरी आपका सेटअप है बेसिकली। ये मैं देख रहा हूँ ये भी इसमें पड़े हुए, इसमें कुछ मसाला लगा हुआ है, क्या है ये? ये जो है ना सर, ये सलाद है, इसमें दो तीन टाइप के सॉसेस रहते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड हर वड़ा पाव में ऐसे आता है? जो ज़्यादा टॉप सेलिंग है उसके लिए हम लोग ऐसे बना के रखते हैं, कि अभी जैसे अभी रश का टाइम आने वाला है तो बस फास्ट सर्विंग हो जाए, वड़ा पाव का मेंटालिटी रहता है कि भाई फटाफट दो। वड़ा पाव इज ऑल्सो ग्रैब एंड गो टाइप का स्नैक, तो ऐसे चाहिए। तो इसमें मतलब जैसे मैं अगर सॉसेस नहीं चाहता वैसे मैं कस्टमाइज करवा सकता हूँ। अच्छा मैं देख रहा हूँ वड़ा पाव बनने के बाद भी वो ग्रिलर पे जा रहा है, अब बस इसमें पेरी पेरी मसाला ऐड हो जाएगा। ये इधर हुआ, ये ऑलरेडी तब तंदूर पे जाके आ रही है, अब ये फिर से दोबारा तंदूर पे चले जाएगा, तो ये डबल तंदूरी टेक्सचर स्मोकी इसका आ गया। ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल मैंने पहले देखी थी कभी, अभी देखेंगे क्या स्मोकी फ्लेवर आता है वड़ा पाव के अंदर। प्रॉपर एड्रेस क्या है इसका? अंधेरी ईस्ट, मुंबई 69, इसीलिए हमारा नाम भी कैफे तंदूर 69। अच्छा, क्या पिन कोड के नाम पे है? ठीक है, जो मैन है इसके वजह से वो टेक्सचर मतलब टेस्ट आता है, जैसे नॉर्मल कोल्सलो होती है आपने थोड़ी चटपटी कोल्सलो रखी है, वो पैटी अब इधर आ जाएगी और वो अब इधर चले जाएगा। पेरी पेरी डन है। अच्छा, ओरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह भी सारी चीज़ें इसमें पड़ेगा। नाइस, तो आपने क्योंकि होटल मैनेजमेंट करी, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गूगली क्वेश्चन, कब तक एक वड़ा पाव रहता है और कब तक वो बर्गर बन जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा एक्चुअली डाइट का था पहले से ही, वड़ा पाव सेल होता था नॉर्मली कैंटीन का, तो मैंने किया इसीलिए कि मैं कुछ और अलग कर सकूँ, अलग जनरेशन के लिए, अपने जनरेशन। अच्छा, तो जो क्लासिक वड़ा पाव होता है उसमें क्या होता है? क्लासिक वड़ा पाव में बस ग्रिल होता है बस, बाकी बस जैसे आपको स्ट्रीट साइड वड़ा पाव मिलेगा क्लासिक वाला, बिल्कुल वैसे। Exactly. तो आपने एक वो भी रखा है? वो भी रखा, बट वो कोई खा नहीं रहा अभी, सब ये खा रहे हैं। हाँ, देखने में थोड़ा फर्स्ट टाइम वियर्ड लगता है, बट जब खाते हो आदत लग जाती है उसकी। ये किंग वाला कैसे आपका? ये महाराजा मैक वॉपर साइज का है क्या? थोड़ा सा जंबो साइज, उसमें सॉसेस और वेजेस भी ज्यादा रहते, और जूसी लगता है, जूसी लगता है। द गुड थिंग इज इन्होंने क्लासिक वाला भी रखा हुआ है, कि अगर आपको ट्राई करना है
तो आप नए फ्लेवर्स ट्राई करो, बट अगर आप इफ़ यू वांट टू ट्राई जस्ट द रेगुलर वाला फ्लेवर इन तंदूरी स्टाइल तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। देसी मिक्सोलॉजी और साथ में ना चिली पेरू, मुंबई में ना गुआवा को पेरू बोलते हैं, चिली पेरू मॉकटेल लिया वो वाला जो आपका, मैंने सोचा जो किंग वाला जो वड़ा पाव है, किंग वाले वड़ा पाव के लिए एक मॉकटेल भी हम लोगों ने ले ली। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वड़ा पाव खाना। भाई वड़ा पाव एज अ डिश की बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है मुंबई में, और ये वाला जो है खासकर बहुत अलग है क्योंकि ये जो वड़ा फ्राई होने के बाद तंदूर पे गया है स्मोकी फ्लेवर के लिए, और यहाँ के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने मेरे को बताया, होटल मैनेजमेंट उन्होंने करी हुई है, तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और बाहर भी उसको तंदूर में डाला है ताकि स्मोकी फ्लेवर और आए, बाकी उसके अंदर सॉसेस वगैरह डाली है ताकि उसको एक जिसे कहते हैं बर्गर वाला फ्यूजन टाइप की चीज़ मिले, और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। ओके एकदम अलग टेस्ट आ रहा है। आई थिंक अगर वड़ा पाव वाली फील चाहिए तो क्लासिक वाला वड़ा पाव लो, अगर एक कुछ हटकर डिश का फील चाहिए तो आप इनके बाकी फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हो। काफ़ी क्रीमी वो चिपका क्रंची और थोड़ा एक ना हटके टेस्ट आ रहा है। अब ये जंबो वाला ट्राई करते हैं। डजेंट फील लाइक अ वड़ा पाव ट्रीट, फील्स लाइक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक अ फैंसी फ्यूजन मेकओवर, वैसा वाली फीलिंग आ रही है। मेरे को ना इसमें थोड़ा कम फील हुआ था चार्डनेस, जो ये वाले मार्क्स है ना उससे वो चार्ड फ्लेवर आ रहे एकदम पहली बाइट लेते ही, वो जो नाम है ना तंदूरी वड़ा पाव वो फील होता है एंड फिर सारे फ्लेवर्स एक साथ घुल जाते हैं। इसकी स्मोकीनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको एक अलग हटके फ्लेवर आता है जो इज़ वेरी पोलराइजिंग। शायद आपको पसंद आए शायद आपको ना आए, पर आपको एक बार आके ट्राई करके अपना ओपिनियन ज़रूर बनाना चाहिए। मेरे को फिलहाल ये चीज़ बड़ी हटके लगी। नाइस अगर आसपास रहते हो आओ अंधेरी ईस्ट 4000 गूगल पे सर्च करना, कैफे तंदूर 69 मिल जाएगा, आके ट्राई करना, ये वाला ज़रूर ट्राई करना, या फिर उनको बोलना कोई भी जो नॉर्मल है उसको एक्स्ट्रा चार कर दे, ये चीज़ उनको बोलना, चेक करना अगर है तो आपको मज़ा आएगा। गुड थिंग दिस इज नाइस, मुंबई की गर्मी में बढ़िया बढ़िया मॉकटेल मिले, बढ़िया बढ़िया फ्यूजन आइटम मिले, मज़ा आता है। और आज की ताज़ा खबर है कि अंधेरी में अंधेरा हो चुका है। आहा क्या गंदा जोक मारा, वाह वाह बहुत बढ़िया चल।